ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान वाच, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी महान आत्माओं को एक सुंदर भाग्य मिला है कि भगवान ने स्वयं आकर कहा, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। हम भी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बाबा। ये कहने के साथ हमें उससे अपनापन भी फील होना चाहिए। इसको गहराई से चिंतन में लाएं। जिसको लोग भगवान कहते हैं वो मेरा है, वही मेरा परम शिक्षक है। जिसको लोग सर्वशक्तिवान कहते हैं वो मेरा साथी है, वो मेरा परम सद्गुरु है। ये मेरेपन की फीलिंग बहुत बढ़ानी है। अगर हम सारा दिन ये याद रखेंगे वो मेरा है, तो ये भी योग युक्त स्थिति हो गई। और बाबा ने कह दिया, जो प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, बाबा हजार बार बंधा हुआ है उनको मदद करने के लिए, उनको सहयोग मिल जाता है। क्योंकि जो मेरा है उससे सहयोग अवश्य मिलता है। तो हम सभी इस गुड फीलिंग को बहुत बढ़ाते चलें कि बाबा मेरा है, मेरा गुड फ्रेंड है, मेरा सहयोगी है, मेरा साथी है, सदा मेरे साथ है, सदा मुझे मदद करता है, सदा मेरी हर बात सुनता है, वो मेरा है। तो बाबा भी आवाज देगा, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, और मैं तुम्हारे लिए हूँ हर समय, मुझसे फायदा उठाओ। भगवान हमारा है, वो हमारे लिए है। रोज सवेरे हमें उठाता है, हमें पढ़ाता है, हमारी पालना करता है, हमें ब्रह्मा भोजन खिलाता है। जब भी हम बुलाते हैं आ जाता है, वो हमारे लिए है। ये बहुत गुड फीलिंग हमें अपने जीवन में लगातार बढ़ाते चलनी है। तो दिल से कहेंगे, बाबा मेरा है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा संसार है। तो उसके संस्कार ही मेरे संस्कार हैं, फिर मेरे संस्कार मुझे तंग करते हैं, ये भावना समाप्त कर देनी है। मेरे इम्प्योर संस्कार, मेरे जिद के संस्कार, मेरे अहंकार के संस्कार, या क्रोध के संस्कार, या मूड ऑफ करने के संस्कार, या बहुत फीलिंग के संस्कार, ये संस्कार मेरे भगवान के बच्चों के कदापि नहीं, शोभा ही नहीं देगा। कोई सुने कि भगवान के बच्चे और फीलिंग में, तो उन्हें कैसा लगेगा? कोई सुने ये भगवान के बच्चे और इनका मूड ऑफ, कैसी फीलिंग होगी? कौन मानेगा कि ये भगवान की संतान है? तो हम अपने संस्कारों को चेंज करें। जबकि हम स्वराज अधिकारी हैं, जबकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमें पावर है अपने संस्कारों को चेंज करने की। ये दोनों स्वमान हम बहुत बढ़ाएं, आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं स्वराज अधिकारी हूँ, संस्कारों की मालिक। मेरे संस्कार डिवाइन, अपने जो भी किसी में संस्कार है, अपने तीन संस्कारों को सामने लाओ जो बुरे हैं, चाहे वो इम्प्योरिटी के हैं, क्रोध के हैं, फीलिंग के हैं, मूड ऑफ करने के हैं, जिद के हैं, सिद्ध करने के हैं, दूसरों को तंग करने के हैं, अहंकार के हैं, तीन लाओ और संकल्प दो, ये मेरे नहीं है। अब मेरे संस्कार कौन से हैं? वे जो बाबा के हैं। मैं सुखदाई हूँ,
मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ, मैं सबको आगे बढ़ाने वाली हूँ, मैं सबको प्रेम बांटने वाली हूँ, मैं दाता का बच्चा दाता हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ, मैं बहुत महान हूँ। तो ये संस्कार बदलते जाएंगे, सुंदर संस्कार आते जाएंगे। तो आज सारा दिन ये दो स्वमान प्रैक्टिस में लाएंगे और अपने देव स्वरूप को सामने रखेंगे। देव स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ये दोनों मेरे स्वरूप हैं, इनके संस्कार ही मेरे संस्कार हैं, ऐसी गुड फीलिंग अपने को देंगे। ओम शांति।